बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पीकिंग में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि तो फॉरेन लैंग्वेज है, पहली बार वो लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो कोई पर्सन अगर लैंग्वेज सीख रहा है तो अपनी स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकता है, वो कैसे फ्लुएंट बन सकता है उस लैंग्वेज में? सो द बेस्ट थिंग टू बिकम फ्लुएंट इज फॉर मी पर्सनली आई थिंक कि यू नीड टू हैव गुड कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, इवन दो अगर आप थोड़ा बहुत गलत एक्सेंट भी बोल रहे हैं, आपका आपकी आप जो बोल रहे हैं उसको वेल एक्सेप्ट करा जाएगा सोसाइटी में, लाइक इफ यू आर कॉन्फिडेंट। सो कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट थिंग टू बूस्ट दैट। आई थिंक अगर आपके फेलो फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, ठीक जस्ट है। टेक हाँ लाइक हाँ आप उनके साथ अगर 3 घंटे दिन के रहते हो, जस्ट टेक हाफ एन आवर और 1 आवर वेर यू आर कम्युनिकेटिंग इन दैट लैंग्वेज। उससे क्या होगा कि कुछ चीजें आपको पता होंगी, आप उनकी करेक्ट करोगे, कुछ चीजें उनको पता होंगी, वो आपकी करेक्ट करेंगे, और बेसिकली पूरे ग्रुप का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा साथ में। अदर थिंग यू कैन डू इज टू इम्प्रूव योर एक्सेंट स्पेसिफिकली इज टू वॉच मूवीज विद द सबटाइटल्स। इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हैं सबटाइटल्स के साथ, बट थोड़े टाइम बाद यू विल गेट यूज टू दैट लैंग्वेज। जो मुझे पर्सनली हेल्प करा था, मैं न्यूज देखता था फ्रेंच में, अच्छा तो काफी न्यूज से मतलब मैं सेम टाइम पे इंग्लिश न्यूज भी देखता था और फ्रेंच न्यूज भी देखता था। आई टेल यू द चैनल्स नेम, इट्स फ्रांस वैंकैटो, फ्रांस 24। सो उनका इंग्लिश का भी चैनल है और फ्रेंच का भी चैनल है। सो बेसिकली उनकी प्रोग्रामिंग सेम चलती है दोनों लैंग्वेजेस में, तो आप देख सकते हैं दोनों चीजें और फिर आप समझ भी सकते हैं कि कैसे वो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, कैसे वो बोल रहे हैं। सो दैट राइट रियली हेल्प्स इन एक्सेंट्स डेवलपमेंट। ओके ग्रेट। तो आप ये कह रहे हो कि जो भी आपके बैचमेट्स हैं आप उनके साथ में स्पीकिंग प्रैक्टिस करो अपनी टाइम निकाल के। दूसरा आपने बोला कि आप लिसन एज मच एज यू कैन, अगर आप न्यूज सुनो, वॉच मूवीज, जो भी कुछ है आप लिसनिंग ज्यादा से ज्यादा करो इस तरीके से, राइट? यस और मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ कि मतलब ये पैटर्न मैंने अपने स्टूडेंट्स में नोटिस करा था कि जैसे मैंने उनको बस ये सजेस्ट करा कि आप चाहे रेडियो फ्रेंच रेडियो लगा लो अपने घर पे, चाहे आप सुन नहीं रहे हो बट सबकॉन्शियसली वो आपके माइंड में जा रहा है, राइट तो आप ऑटोमेटिकली कैच कर लेते हो वो एक्सेंट जब आप राइट बोलने की कोशिश करते हो। राइट, हम उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, यस हमें पता भी नहीं पड़ता कि हम उन्हें कॉपी कर रहे हैं, तो हाँ उनका सबकॉन्शियसली हमारे अंदर बैठ जाता है। ट्रू।